रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप का वीडियो वायरल करने वाले अखबार के मालिक जीतू सोनी पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के आरोप में जीतू सोनी की 3 इमारतों पर बुलडोजर चला दिया है। इन 3 इमारतों में माई होम, बेस्ट वेस्टर्न और एक मकान शामिल है। अधिकारियों की माने तो तीनों इमारतों को अवैध कब्जा कर बनाया गया था। सुबह 6 बजे से निगम ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान घर का 3/4 अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, जबकि होटलों के बेसमेंट पार्किंग के साथ अन्य अवैध निर्माण भी निगम की टीम ने ध्वस्त किए। इस मौके पर अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी था। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में सवेरे 6 बजे से नगर निगम का अमला विशेष सीनियर ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है और बड़ा संख्या में अमला है। और इस कार्रवाई के दौरान कोई लैंडलॉर्ड की स्थिति ना बने, किसी का सुरक्षा ना हो, जो पब्लिक है, भीड़ है, उसको कॉर्डन अप करने, सबके लिए पुलिस बल लगाया गया, जिसमें 1 CSP, 3 PI साहबान है, 50 लोगों का और बल है। और हम लोग लगातार बने हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए। कार्रवाई कम्प्लीट होने तक बने रहेंगे। सर, किसी तरह की विवाद की स्थिति अभी तक कोई विवाद की स्थिति ऐसा सामने नहीं आई है। किसी ने कोई ऐसा विवाद या विरोध पैदा नहीं, विकट नहीं किया है और हम लोग लगातार देना है। सर, कितनी बजे से कार्रवाई चालू हुई थी और कब तक? 6 बजे से लगभग ये कार्रवाई शुरू हुई थी, 6:30 बजे का पॉइंट था। उसके बाद पहले सर्च करके नगर निगम ने पूरी चीज़ें करी, फिर बिजली का प्रॉपर व्यवस्था देखी, सुरक्षा देखी, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है और नगर निगम के इंजीनियर्स और पूरा अमला लगातार इस कार्रवाई कर रहा है। आग वो छोटी सी कोई उसमें थी, हम लोग तैयारियां पूरी हैं क्योंकि फायर सर्विसेज भी यहाँ पे है, MPB के अधिकारी भी यहाँ पे है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आता है तब को कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है। सर, होटल की तरफ से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इस तरफ से कोई आपके सामने आया हो या कोई बात आई? ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया और सुबह से ही जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले सर्च करके देखा था कोई आदमी अंदर तो नहीं है, जनहानि ना हो ये प्रमुखता है, इसको लेके ही पूरा प्लान। सर, कार्रवाई को लेकर कितना बल लगाया गया? 50 आदमी का लगभग बल है, 3 PI, 1 CSP साहब है और मैं हम लोग सब। अधिकारियों की जांच में जीतू सोनी के होटल माय होम की तिजोरी से सोने की मूर्ति और चांदी के सिक्के बरामद किए गए, जबकि कई बैंक खातों का भी पता चला है। अब तक की कार्रवाई के बाद जीतू सोनी के खिलाफ 10 केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक सांध्य दैनिक अखबार और उसके YouTube चैनल ने हनी ट्रैप से जुड़ा एक वीडियो दिखाया था, जिसके बाद इस अखबार के मालिक जीतू सोनी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान जीतू सोनी के होटल से 67 लड़कियां भी मिली थी। हालांकि कार्रवाई के बाद से ही जीतू सोनी फरार है, पुलिस ने उस पर इनाम की भी घोषणा की है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।